ये बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं गांव में आके। ये देखो क्या हो रहे हैं छोटे छोटे। भी बोलो मैं उन्हें नहीं देख पाई और उनसे मिल भी नहीं पाई, वो काफी टाइम से बीमार थे तो इस वजह से ऐसे ही हो गया। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आप देख के समझ गए होंगे मैं अपने ससुराल में हूँ और मेरी दादी सास एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इसलिए फटाफट से मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ आना पड़ा मायके से। वैसे मैं गांव में ही थी, फिर मम्मी लोग भी दिल्ली से गांव आ गए थे, तो जब मम्मी वो आए थे उसी दिन मैं भी आ गई थी दिन में। शाम को मम्मी लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे और अम्मा की 13वीं के बाद यहाँ से जाएंगे। अभी फ़िलहाल तब तक यहीं हैं। अपने हाथ पे दिखाओ क्या है, ये क्या बना रखा है इसे देख के। ये कुछ खाने वाला लॉलीपॉप नहीं है, ये डांबर होता है ना रोड का, उससे बनाया है। ये बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं गांव में आके। डांस कर रहा है उधर कैमरा में देख के। कौन डांस करता है कैमरा देख के बोल। ये गले में क्या पहन रखा है? ये गुंडा बन गया है, गांव का गुंडा। कर दे कर दे डांस कर दे। गांव का गुंडा है ये, गांव का गुंडा है ये, गांव का गुंडा है। गले में देखो क्या पहन रखा है। अभी हम खाना खाएंगे, बुआ लोग भी आए हैं आज, दोनों बुआ लोग आए हैं और हमारा खाना बन चुका है। हमने बना रखा है दाल भात, तो आजकल हम बिना तड़के का खाते हैं और तड़का नहीं लगाना होता है, प्याज भी नहीं खाना है, तो इसलिए अभी खाएंगे थोड़ी देर में। अभी सब लोग बैठे हैं गप मार रहे हैं। तो ये जो रोड के लिए डांबर आता है ये उसका ड्रम ले रखा था हमने जब यहाँ रोड में डांबर हुआ था, तो इसका इसमें पानी भरने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया काला, और ये देखो कैसे डांबर इसमें से निकल रहा है और हम पानी भरते भरते परेशान हैं और ये ड्रम में इतना काला पानी हो जा रहा है। तो आने के बाद अभी तक हम इसमें 2 बार पानी भर चुके हैं और पानी में स्मेल और ऐसा बिल्कुल मिट्टी वाला पानी हो जा रहा है कलर का, देवर जी ने क्या बना दिया लड्डू जैसा। तो अभी हमने कितने दिन इसमें पानी भर दिया, 2 दिन, अभी देखते हैं। ये पानी ऐसा हो गया है जैसे गोबर गोबर का पानी होगा, गोबर के हाथ धो दिए होंगे इसमें। अब इससे पानी में स्मेल आ रही है। किसी के पास कुछ आइडिया है तो हमें बता देना कमेंट करके ये कैसे साफ होगा। तो हमारा दिन का खाना हो गया है और बुआ लोग भी बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए, वो तैयार हो गए हैं खाना खाने के बाद, अभी निकलते हैं बस। अभी उनकी आपस में कुछ बातें चल रही हैं और मितांश भी तैयार हो गया है, मितांश भैया की गोद में चले गया, देखो बाय बाय कर रहा है हमसे। तुम्हारा बैग देख के ऐसा लग रहा है तुम दोनों जा रहे हो। दोनों दो भाई। हाँ ये है हमारी वहाँ की रोड, अच्छा व्यू है यहाँ से। तो ये है बुआ लोगों की गाड़ी जिसमें बुआ लोग जाएंगे, बुकिंग करके आए थे और अभी बुआ लोग आए नहीं है, हम यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने नहीं जाना है, जाने वाले आए नहीं। और मितांश गाड़ी में बैठ गया है तो मितांश को देखते हैं, मितांश क्या कर रहा है, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया, यहाँ बैठा है वो, दिख तो रहा है मितांश, तुम जा रहे हो, बाय बाय चलो बाय, जाओ 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 बाय। तो ये है सटेड़ गांव का स्कूल, शायद ये प्राइमरी स्कूल है और यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और एक गाड़ी भी आ रही है, अच्छी रोड बन चुकी है यहाँ की, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, खेत थे, अच्छा लग रहा है। दो लोग कहाँ चले गए। तो
तो यहाँ पे मितांश को ताऊ ने दे दिए हैं पैसे और मितांश बहुत जब भी जाना तो मैंने बोले तुम जीत लेना ये मामला ध्यान रखना भगत आएगा तुम्हें लेने का ठीक है दिल्ली जाना है तो बाय 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 अब जा रहे हैं अब बाय कर बाय करो बाय कर बाय कर बाय बाय ठीक है आराम से जाना हाँ बोला तुम पीछे से आ गई सब पैसे छोड़ दिए आगे मगर ये घर पे है ये देखे मैंने तो मितांश को मिले हैं पैसे और बुआ लोग चले गए हैं। मितांश मम्मा को देगा पैसे। लाओ मितांश के पैसे, मितांश के पैसे। तो अब हम आ गए हैं घर और इसके साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मैं भी घर पहुँच चुकी हूँ। बाय बाय।